हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने मीशो का ये सारे ब्लैक कलर के ब्लाउज़ का रिव्यू करने जा रही हूँ। ये सारे ब्लाउज़ 42 साइज़ के हैं, ब्लैक कलर में हैं, मोस्टली कॉटन हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे ब्लाउज़ को देखते हैं। ये देखिए, ये ब्लाउज़ कॉटन का है, 42 साइज में मैंने लिया है। आगे प्रिंसेस कट है, इस बैक में इस तरीके का इसमें वी नेक बना हुआ है, ये देखिए। और इसमें मार्जिन नहीं है, इसीलिए आपको अपना ट्रू साइज ही परचेज करना पड़ेगा। इसमें आप ध्यान दें, मार्जिन इसमें नहीं है। ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा है, इस ब्लाउज़ के लिए मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। ये ब्लाउज़ आपका रेड मैरून कलर की साड़ी में भी चलेगा, रेड ब्लैक कलर की साड़ी में भी चलेगा, और कोई भी आपकी जो है डार्क ग्रीन कलर की साड़ी में भी चलेगा, येलो कलर की साड़ी में भी चलेगा। तो इस ब्लाउज़ के लिए मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। अब ये हम दूसरा ब्लाउज़ मैंने लिया है, देखिए इस ब्लाउज़ में भी प्रिंसेस कट है, देखिए ये प्रिंसेस कट है। साइज़ इसमें भी मैंने 42 लिया है, देखिए साइज़ 42 लिया है। ये फुल स्लीव्स का साइज़, ये देखिए फुल स्लीव्स ब्लाउज़ मैंने इस हिसाब से लिया है कि अभी जब विंटर शुरू होंगे तब हम अपनी मोस्टली साड़ी इस तरीके की पहन सकते हैं। ये इस तरीके का अगर आपके पास एक ब्लाउज़ हो तो अपनी ज़्यादातर साड़ियों को आप इसके साथ क्लब कर सकते हैं, और आजकल ये चले भी हैं अजरक प्रिंट में बहुत अच्छे से। तो देखिए इसमें अंदर से मार्जिन जो है वो नहीं है, तो आपको अपना उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, जो भी आपका आपका बस्ट साइज़ हो उसके हिसाब से ब्लाउज़ चूज़ कीजिए। तो ये ब्लाउज़ भी मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। अब देखिए ये एक ब्लाउज़ मैंने लिया है, ये ब्लाउज़ जॉर्जेट मटेरियल का है, इसमें पीछे डोरी दे रखी है। आगे देखिए ये कप साइज़ जो है इसमें कप दिए हुए हैं ब्लाउज़ में, और जो है इसमें ये गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है। कोई भी आपकी ऐसी साड़ी हो जो ब्लैक हो और उसमें जो है इस तरीके का कोई गोटा वर्क किया हो, या इस कलर की कोई जरी वर्क किया हो, उसके लिए ये बेस्ट ब्लाउज़ है। साइज़ के थोड़ा इसमें साइज़ जो है वो छोटा आता है। मैंने इसको 42 साइज़ मंगाया है, लेकिन ये 42 साइज़ में नहीं आया। ये बैक ओपन है, देखिए ये देखिए बैक ओपन है, इसमें मार्जिन अवेलेबल है, ये देखिए। इसमें देखिए मार्जिन अच्छे से अवेलेबल है, इतनी मार्जिन दोनों में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। ये मैंने 42 साइज़ में मंगाया है, 42 साइज़ में मंगाने के बाद ये मुझे देखिए ये 20 साइज़ तक की, यानी 40 बस्ट तक लोगों को बहुत अच्छे से आ सकता है, ये देखिए ठीक है। और इसका वेस्ट मैक्सिमम जो है वो 38 इंचेस रह सकता है, ये देखिए 38 इंचेस मैक्सिमम बस्ट रह सकता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली आप मंगाना चाहें तो ये बहुत अच्छा ब्लाउज़ है। आपकी ज़्यादातर ब्लैक साड़ियाँ जिनमें इस तरीके का, या कोई भी लाइट कलर की प्लेन साड़ी हो आप उस पर भी ये पहनेंगे तो इतना सुंदर लगेगा कि बस पूरी पार्टी में आप ही आप नज़र आएंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें रहता है, इसमें जो कप्स लगे होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे होते हैं, तो आपको कप्स रिमूव करा के अपने अकॉर्डिंगली लगवाना पड़ेगा। बाकी और ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा है, ये देखिए। अब दूसरा ब्लाउज़ देखते हैं। एक देखिए मैंने ये इस तरीके का ब्लैक ब्लाउज़ मंगवाया है, ब्लैक प्लेन ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा है। देखिए इसमें सिंपल ब्लाउज़ है, फ्रंट ओपनिंग है, ये देखिए इस तरीके से ये फ्रंट ओपनिंग है, यहाँ पे प्रिंसेस कट आपका ये ब्लाउज़ है। आगे राउंड नेक दिया हुआ है, बैक में भी ये डीप नेक दिया हुआ है, यू नेक डीप दिया हुआ है। स्लीव्स जो हैं इसकी, स्लीव्स में ये थोड़ा सा जरी वर्क दिया हुआ है, डोरियां दी हुई हैं आपको पीछे से बैक में मिटाई करने के लिए,
और ये थोड़ा, ये आपके पास ऐसा कोई अगर एक ब्लैक ब्लाउज हो तो बहुत सारी आपकी आपकी साड़ियों में चल जाता है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, काफ़ी साड़ियों में आपको चल जाता है। इसलिए इस तरीके के ब्लैक ब्लाउजेस में आप इन्वेस्ट ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बहुत अच्छी है कि ये ब्लाउज़ जो है वो लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है। लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में क्या होता है ना, आपका ब्लाउज़ ज़्यादा चलता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसको आपके बस्ट को सपोर्ट करता है, इसका कपड़ा इधर उधर नहीं जाता है थोड़ा सा। उसके कंपैरेटिवली जिसमें लाइनिंग नहीं होता है थोड़ा कंफर्ट जरूर कम हो जाता है, पर इसमें कॉटन लाइनिंग लगी हुई है। ये देखिए, ये सॉफ्ट कपड़े की लाइनिंग लगी हुई है। ये ऊपर वाला मटेरियल भी कॉटन ही है, ठीक है। अंदर जो है ये प्रिंसेस कट है, और देखिए मार्जिन इतनी इसमें मार्जिन दे रखी है, लगभग इसमें जो है देखिए 2 इंचेस लगभग मार्जिन दी हुई है। तो 2 इंचेस मार्जिन में आप आराम से जो है इसको जो है 42 अगर आपने साइज़ मंगाया है, मैंने 42 साइज़ मंगाया है, तो मैं इसे आराम से जो है आगे के साइज़ तक भी इसको बढ़ा सकती हूँ। तो मेरी तरफ से ये बहुत अच्छा ब्लाउज़ है, आपको इस तरीके के ब्लाउज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, अपने और मैं और ब्लाउज़ के लिए मैं आपको फिर से मिलूँगी। तो इस ब्लाउज़ के लिए आपको बिग थम्स अप है। दोस्तों, इन सभी ब्लाउज़ेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। और इस तरीके के और ब्लाउज़ेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।